क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में कितनी तरह की रामायण होती है? अगर हम मोटा मोटा देखें तो 250 से भी ज्यादा तरह की रामायण आपको मिल जाएंगी। अधिकतर लोगों को लगता है कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य सिर्फ भारत में ही प्रचलित है, लेकिन क्या आपको पता है कि थाईलैंड और अन्य देशों में भी एक अलग तरह से रामायण प्रचलित है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर कीजिए। इससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी और हम ऐसी रोचक कथाएं आपके आगे लाते रहेंगे। रामायण एक प्राचीन भारतीय पौराणिक कथा है जिसे हम बेहद प्यार और सम्मान करते हैं। कथा तो आप सभी जानते हैं, जिसमें राजा राम माता सीता को लंका से छुड़ाने के लिए दुष्ट रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कहानी भारत के अलावा 7 और देशों में भी है? थाईलैंड की रामायण को रामकीन कहा जाता है, जो थाईलैंड के राष्ट्र काव्य में भी एक है। रामकीन थाई शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद होता है भगवान राम की गाथा। शायद आपको ना पता हो, प्रारंभिक थाईलैंड की राजधानी को अयोध्या कहा जाता था, जिसका नाम श्री राम की अयोध्या की राजधानी के नाम पर रखा गया था। थाईलैंड में रामायण के अनुसार थाईलैंड के राजा खुद को श्री राम के वंशज मानते थे। थाईलैंड के अंतिम शासक वंश को राम कहा जाता है। रामायण का वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ संस्कृत का वर्जन ही सबसे पुराना माना जाता है, लेकिन थाईलैंड, बाली, मलेशिया जैसे देशों में इसका अनुवाद और अपना अलग संस्करण देखने को मिलता है। थाईलैंड की रामकीन विष्णु पुराण, वाल्मीकि रामायण और हनुमान नाटक का मिला जुला रूप लगती है। ये तीनों ही भारत में बहुत महत्वपूर्ण काव्य माने जाते हैं। थाई रामायण की कहानी भी काफी कुछ भारतीय रामायण से मिली जुली लगती है। रामकीन को माना जाता है एक जादुई कहानी। लोक कथाओं के अनुसार थाईलैंड के लोगों का मानना है कि रामकीन में जादू है। वहां के लोगों की यह मान्यता है कि जो भी इसे 7 दिन और रात लगातार पढ़ता है, वह 3 दिनों के लिए स्वर्ग का राजा बन सकता है। हालांकि यह सिर्फ लोक कथाओं का आधार है। इस रामायण में रावण को ओसाकंठ कहा जाता है। इसमें यह भी बात की जाती है कि रावण की आत्मा की शुद्धि हुई थी। रावण और उसके भाई सभी अपनी आत्मा की पवित्रता पा चुके थे। रामकीन में बताया जाता है कि रावण का परिवार इच्छाओं के मायाजाल में फंसा था और जो अंत में अपनी इच्छाओं पर विजय पाकर ज्ञान की प्राप्ति करता है। इसी से एक और सवाल उठता है कि थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में क्यों पूजी जाती है सुनहरी मछली? दशानन रावण की बेटी सुवर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसलिए उनको सुवर्ण मच्छा भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली, इसलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। श्री राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तब रावण ने अपनी बेटी सुवर्ण मत्स्य को ही ये योजना नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर सुवर्ण मच्छा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। रामकीन रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे, तो हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर ये चट्टानें जा कहां रही हैं। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि सुवर्ण मच्छा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, उनसे वह प्रेम करने लगी।
हनुमान जी उनके मन की स्थिति भांप लेते हैं और समुद्र तल पर ले जाकर पूछते हैं कि आप कौन हैं देवी। वह बताती हैं कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर हनुमान जी उन्हें समझाते हैं कि रावण क्या गलत कार्य कर रहे हैं और हनुमान जी के समझाने पर सुवर्ण मच्छा सभी चट्टाने लौटा देती और राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है। रामायण के बाद 10वीं शताब्दी में कंबन ने रामायण महाकाव्य लिखा जो दक्षिण में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। हालांकि ये स्पष्ट है कि दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रेरित है, क्योंकि सभी रामायण में ना राम बदले, ना स्थान और ना ही कोई उद्देश्य में कोई परिवर्तन आया।